सिरेगांव बांध बना स्मार्ट ग्राम। राज्य सरकार की स्मार्ट ग्राम योजना के तहत गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर गांव को गोंदिया जिले में स्मार्ट ग्राम का पहला पुरस्कार प्राप्त करने का सुनहरा मौका सिरेगांव बांध को मिला है। सिरेगांव बांध मोरगा और चुनी पंचायत समिति के तहत आता है। सिरेगांव बांध के उच्च शिक्षित सरपंच इंजीनियर हेम कृष्ण संग्रामे और सचिव टीटी निमजे ने ग्रामस्थों के सहयोग से गांव में बुनियादी विकास करने का बीड़ा उठाया और प्रत्यक्ष रूप में साकार भी किया। पंचायत समिति स्तर का पहला 10 लाख रुपए तथा जिला स्तर का 40 लाख रुपए का पहला स्मार्ट ग्राम पुरस्कार से सिरेगांव बांध को पुरस्कृत किया गया है। 26 जनवरी को गोंदिया जिले के बालक मंत्री बड़ोले के हाथों सरपंच संग्रामे और सचिव निमजे का सम्मान कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। जिले में पहला स्थान मिलने से अब केंद्र सरकार के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सक्षमीकरण पुरस्कार की उम्मीद भी बढ़ी है। हाल ही में दिल्ली से पंचायत राज समिति के शशि सिंह के टीम द्वारा सिरेगांव बांध का दौरा कर जांच की गई और ग्रामस्थों के साथ विभिन्न योजना और ग्राम सभा के संदर्भ में चर्चाएं की।
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा जो आने का पर्पस है, आपके ग्राम पंचायत में भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार की योजना चलाई जाती है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है। ये पुरस्कार उसी पंचायत को दिया जाता है जो पंचायत हर तरह से पंचायत राज एक्ट के हिसाब से इसका गठन हुआ था। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज का गठन 24 अप्रैल को किया गया था। उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो ग्राम पंचायत चुनकर जाते हैं उनको दिया जाता है ये पुरस्कार। जो दिया जाता है आपके महाराष्ट्र स्टेट में पूरे 10 ऐसे ग्राम पंचायत होंगे जिनको दिया जाएगा। 11वां पंचायत नहीं हो सकता है। हर साल ये स्कीम चलाई जाती है। बहुत सारे पंचायत अप्लाई करते हैं, जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे पंचायत होते हैं जो स्टेट तक जाकर छट जाते हैं। कुछ पंचायतें ऐसी होती हैं जो कि लास्ट भारत सरकार के गेट पर जाके खड़ी रहती है। उस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। अगर आपका ग्राम पंचायत इस अवार्ड के लिए क्वालिफाई करता है तो इसमें मिनिमम 5 लाख की अवार्ड की राशि है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये अवार्ड इंडिया के किसी भी कोने में होती है। पिछले साल जबलपुर में कराया गया था, उसके पिछले साल जिसमें से 10 पंचायतों को ही मिलना है इसमें, और वो पंचायत हर तरह से पेपर वर्क, रिकॉर्ड कीपिंग या फिजिकल वर्क जो ग्राम पंचायत ने कराया है, या तो अपने फंड से हो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से हो, टैक्स कलेक्शन करके हो, सरकार द्वारा दिया जा रहा जो स्कीम्स का अलग अलग जो स्कीम्स के अलग अलग जो फंड होते हैं उससे हो, काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इन सारे क्राइटेरियाज को यदि आपका पंचायत फुलफिल करता है उसके बाद भारत सरकार इस अवार्ड को देती है। तो मैं आप लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है आपके पंचायत में वो कैसे 6-12 ग्राम सभा अटेंड करने का
ग्राम पंचायत को अधिकार है, लेकिन साल में चार बार तो नक्की होती है, चार ग्राम सभा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन और 26 जनवरी 15 अगस्त और एक बीच में मई माह में कुछ होती है। तो सर हम ये दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण योजना के माध्यम से अभी आपका जो विजिट चल रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप क्या जांच कर मतलब करके आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं? ये पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा चलाई जा रही ये पुरस्कार योजना है, जो 24 अप्रैल एवरी ईयर जिस दिन पंचायती राज का गठन हुआ था, हर साल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत जो चुन कर जाते हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पंचायत पंचायत राज एक्ट के हिसाब से सशक्त है, उस गाइडलाइन के हिसाब से खरा उतरता है, उसी पंचायत को अवार्ड दिया जाता है। अभी गोंदिया जिले में भी कितनी ग्राम पंचायत? कौन से जिले में? एक 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 ही ग्राम बस कैसे रहूँ। ठीक है, सचिव मुझे बताइए कि आपके गांव को स्मार्ट गांव पुरस्कार योजना के तहत आपके गांव को पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं क्रियान्वित गांव में और कैसी योजना अपने यहाँ का उसका योजना जो आपने बनाई तो किस तरह से बनाई? कैसा रहता है, कोई भी योजना में अपने को अगर भाग लेना है तो उसमें सबसे पहले लोगों का सहभाग क्या है, वो गाँव के लोगों का उसके प्रति लगाव कितना है वो देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गांव में अपन जो स्वच्छता करते हैं या गांव में कुछ भी विकास के कार्य करते हैं उसमें लोगों का सहभाग नहीं रहा तो अकेली पंचायत कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अपने को पहले सबको एक साथ लेके गांव के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, उनको एक वो चीज़ समझा के बताना पड़ता है कि अपने को करना क्या है। वही हमने किए, गाँव के सभी लोगों को बुलाए, उनको समझा के बताएं कि अपने को ये पुरस्कार में भाग लेना है और फिर लोगों को वो बात समझ में आ गई और लोगों ने उसमें अपने पूरे जितना उनसे जमता है उतने सब ने गांव के लोगों ने उसमें सहकार्य किए। खास करके क्या ऐसी योजना आपने मतलब उसके किए कि जिससे आपको पुरस्कार मिला? उसके लिए हमने MRGS के अंतर्गत बहुत सारे रोड के काम किए जो कि गाँव में लोगों को जाने आने के लिए एक साधन बने, नाली के काम किए, उसके बाद में अपने गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि जिसमें बकरी पालन किए जाते हैं बहुत से घरों में, उनको एक वो गोट सेट करके दिए। गांव में सिंचन की व्यवस्था कम थी तो उसको पूरा करने के लिए हम ये कुएँ बनवाए गांव में, MRGS के अंतर्गत ऐसे बहुत से काम किए। और इस पिछले साल तो लगभग 62 फैमिलीज 90 डेज के ऊपर में काम करने वाले फैमिली में आई थी जिनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद भी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें करते वक्त में बाकी 14 विधायक है उसमें से रंग रंगोटी किए, गांव के कुओं को स्वच्छ किए, गांव के जो बोरवेल है उनको स्वच्छ किए, स्कूल की जो गांव के जो स्कूल है उसमें प्योर ब्लैक लगवाए, उनको गांव के लोगों के कलेक्शन करके गांव स्कूल को डिजिटल बनवाए, आंगनवाड़ी को डिजिटल बनवाए और गांव में पानी की मुबलक प्रमाणत मिलना चाहिए करके वनराई बंधारे बनवाए, गांव को लोगों को एक प्रोत्साहन करके गांव की सजावट की है। ये सब चीज़ें करके जो गांव का रिकॉर्ड होता है ग्राम पंचायत का वो रिकॉर्ड को अप टू डेट किए, जो पिछला था उसको पूरा किए, जो नया था उसको पूरा किए, एक रिकॉर्ड भी पूरा हो गया और गांव के सहभाग से गांव के विकास के कार्य भी हो गए, यानी दोनों तरफ से ये सब तैयारी करके हम लोग स्मार्ट ग्राम में भाग लिए थे। तो उसके मद्देनज़र हमको तालुका से भी प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ
और गोंदिया जिला में से भी प्रथम क्रमांक मिला है। तो ये दोनों बख्शीश हमको इस साल ग्राम स्मार्ट ग्राम के मिले हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा वैसे जैसे महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट ग्राम का ये जो पुरस्कार पिछले साल पहले साल जाहिर किया था, तो पहले ही साल में कोकना करके गांव है ये अपने गोंदिया जिले में ही, तो वो गांव को ये पुरस्कार मिला था। तो वहाँ का सरपंच ये मेरे आते भाई है, तो उसके तरफ से मेरे को ये प्रोत्साहन मिला कि अपन भी उसमें भाग लेना चाहिए और अपने गांव उसमें बैठता है क्योंकि अपने गांव में अपन सब काम किए थे, तो अपन जब काम किए हैं तो उसका पुरस्कार तो अपने को मिलना ही है। ये एक जीत भी थी मन में और ये कॉम्पिटिशन भी था कि आत्मविश्वास भी था कि अपने को मिल सकता है, और इसीलिए हमने उसमें भाग लिए। ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं अपने गांव के सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने अपने तरीके से गांव के लोगों ने जो सहकार्य किए उसी का मद्देनजर ये पुरस्कार मिल पाया है। अकेली ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर सकती थी, और मैं बाकी लोगों को भी ये सजेशन देना चाहूँगा कि जिस गाँव में सब लोग एक होकर काम करेंगे वो गाँव पुरस्कार के हकदार अवश्य बनेंगे। सर मुझे बताइए कि आपके गांव को स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिला है। जी सर। आप ग्राम पंचायत के सचिव हो, एक सचिव स्तर पर या प्रशासकीय स्तर पर आपने इसके लिए क्या योजनाएं मतलब तैयार की थी और किस तरह से पुरस्कार मिला? सर जब मैं इस गांव में आया तो गांव का लोकेशन देखा और जो स्मार्ट ग्राम की गाइडलाइन थी उसके वजह से मेरे को लगा कि ये गाँव स्मार्ट ग्राम में बैठ सकता है। इसकी वजह से जो उसके पॉइंट थे उसके हिसाब से हमने प्लानिंग की, वो सैनिटेशन सोसखड्डे वो बनवाए और जो जो उसमें गाइडलाइन के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड अप टू डेट करके वो हमने प्रिपेयर किया और उसके वजह से हमको ये स्मार्ट ग्राम का पुरस्कार मिल गया। इसके लिए मतलब गांव के सभी लोगों ने आपको सहकार्य? गांव का तो सहकार्य जरूरी है, उनको सहकार्य तो मिला और बाद में हमारे पंचायत समिति लेवल के जो ऑफिसर है उनका मार्गदर्शन मिला और इस सब वजह से वो पुरस्कार मिल गया। किसी भी गाँव में कोई भी अच्छा अगर विकासात्मक काम करना है तो शुरुआत में दिक्कत ज़्यादा आती है, हाँ आपको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, दिक्कत तो नहीं आती सर इस गांव में। इस गांव की एक खासियत है, जो भी हम काम करते हैं जो गलत काम होता है वो हमको ग्राम सभा के माध्यम से या ऐसी पर्सनली समझा के बता जाता है, सर आपका ये काम गलत हो रहा है इसको सुधारिए, और ऐसा कोई भांडन तंटे नहीं होते, जो समझदारी से वो सब कुछ काम होते हैं, इसलिए हमको ये और प्रेरणा मिलती है और हम काम करते हैं। 26 जनवरी को आपको ये पुरस्कार मिला? जी सर। और आगे गांव के विकास के लिए क्या योजना आपके पास? गांव के विकास के लिए तो रोड नाली तो बन गई है, अब लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोग या स्वावलंब कैसे हो, वो प्लानिंग चल रही है और हमारा पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड के लिए और बड़े डाला है उसकी भी चेकिंग चल रहे है, अपना ये कयास है कि वो भी पुरस्कार हमको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशान लांजेवार की खास खबर MNS न्यूज़ के लिए। गोंदिया जिले के ग्राम सिरेगढ़ बांध को राज्य सरकार का स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिला। अभी अभी 26 जनवरी को पालक मंत्री के हाथों सरपंच का सत्कार भी गोंदिया में इस कार्यक्रम में हुआ है। इस गांव को तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर दोनों स्तर पर पहला पुरस्कार मिला हुआ है, और अभी हमने गांव में देखे कि काफ़ी स्वच्छता दिख रही है, साफ़ सुथरा काम दिख रहा है, और अभी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण के माध्यम से दिल्ली से टीम भी आई थी और टीम ने भी पूरा यहाँ का ब्यौरा लिया है। आइए हम कुछ गांव के लोगों से बात करते हैं कि इस स्मार्ट ग्राम पुरस्कार जिसमें मिला है तो गांव के लोगों को क्या लग रहा है? आप अपना नाम बताइए और ये जो गांव के पुरस्कार मिला है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपना नाम क्या है? धर्मदास ढोंडू जी सुखदेव। ये स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिला है, हाँ, तो आपका क्या योगदान था उसमें, आपने क्या सहकार्य किया? मैंने मेरे से जो जमा जो जो सरपंच ने टाइम पे बुलाए, टाइम पे जो खर्च करना है, गांव की सफाई करना है, उसके योगदान किए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाँ। आपका क्या नाम है? वही है राजेश चंद्रवाद खोबरागढ़। खोबरागढ़ आपको कैसा लग रहा है अभी गांव को स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिला? आपके गांव के मतलब सरपंच का सत्कार हुआ, मतलब गांव के पूरे लोगों का सत्कार हुआ, ऐसा गर्व है कि अच्छा हुआ उसको पुरस्कार मिला। अच्छा, गाँव के लिए अच्छा है। अच्छा है, अभी काफी सुधार हुआ ऐसा लगता है, काफी सुधार है हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनराज यशवंत पचारिया है, मैं इस ग्राम पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। जो हमारे ग्राम पंचायत ने ये तीनों टीम में जो भाग लिया है उसका हमें बहुत खुशी हुई है। जो हमारे ग्राम पंचायत के लिए लोगों ने सहकार्य किए, जो स्वच्छता के बाबती हुए, कोई साफ सफाई वगैरह है उसका, उसमें गाँव लोगों का बहुत सहकार्य मिला हमको, और हम सभी गांव लोगों को जो डिजिटल सेवा वगैरह है
जो हमारे कंप्यूटर के माध्यम से जो लोगों को सेवा दी जा रही है, हम बहुत अच्छी तरह से उनको दे रहे हैं। जो जिसको कौन सा फॉर्म वगैरह भरना है वो भी हम भर के देते हैं। गांव के लोगों को सारी सुविधा ग्राम पंचायत की तरफ से मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद रसन कापगदे, मैं MG नरेगा में रोजगार सेवक हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा गांव एक जिले लेवल पे अपना नाम स्थापित कर अपना नाम वहाँ पे दर्ज हुआ। बहुत खुशी है। मैं सभी अपने जनता का, ग्रामवासियों का, जो हमने हमारे लिए कोऑपरेट किया ग्राम पंचायत के लिए, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारा नाम अभी ज़िले में है, अभी जो सशक्तिकरण की जो टीम दिल्ली से आई है, हमारा नाम महाराष्ट्र में सबसे आगे हो, हमारी ग्राम पंचायत अच्छी हो, हमारा नाम महाराष्ट्र में और देश में भी एक गौरव प्राप्त करे, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। हमारे गांव में सभी प्रकार के सहकार्य कोऑपरेट लोग करते हैं, चाहे MG नरेगा का काम हो, चाहे सोच गड्ढे के माध्यम से हो, चाहे सीमेंट रास्ता हो, सीमेंट नाली हो, सब काम के लिए जो भी काम आता है, यानी ये अपना जनसेवा यानी निस्वार्थ सेवा जो मुफ्त में बोलते, ग्राम पंचायत जैसे बोला कि ये अपना काम यानी जनसेवा में करना है, फ्री में करना है, आपको कोऑपरेट करना है, यानी स्वच्छता करनी है, तो इस माध्यम से 10-20 महिला निकल के बाहर आती है, जो उसके लिए पुरस्कार के लिए आप सभी लोगों का योगदान इसमें योगदान खास करके महिला और लोग, जब भी गांव की सफाई करनी होती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। महिला हर घर से निकलती है सफाई करने के लिए, कचरा कुंडी में डालती है, ये ओला कचरा, सूखा कचरा, धोखादायक कचरा हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से सब सुख सुविधा है। आपका क्या नाम है? मेरा राजू लक्ष्मण चाचेरे। अब यही क्यों? यही क्या छो मैं? अच्छा, ये आपने पेरा जो पहना है, ये मेरी भेल की दुकान है। अच्छा, तो भेल गुपचुप बेच रहा हूँ मैं। तो अभी हमारे को इतना खुशी हो रही कि हमारे गाँव में ये पहला पुरस्कार मिला है और अच्छा योगदान मिला है हमारे स्वच्छता अभियान में। खूब अच्छे से ऐसे सहकार्य कर रहे हैं, गाँव वाले भी कर रहे हैं, अभी ग्राम पंचायत भी कर रही है, सरपंच भी कर रहा है, अच्छे सहकार्य से सब गाँव के गाँव से हिसाब से ये सब अच्छे सहकार्य से हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। और सर, जिस तरीके से हमारे ग्राम पंचायत काम कर रही है, हमारे सरपंच साहब और पूरी मैनेजमेंट बॉडी और हमारे सचिव साहब, तो हमको कॉन्फिडेंस है, उतना विश्वास है कि हमारी ग्राम पंचायत एक दिन देश में अपना नाम लौकिक करेगी। बहुत बहुत बधाई। अभी हमने कुछ यहाँ के निवासियों से बात की, ग्रामस्थों से बात की, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे स्मार्ट गांव पुरस्कार इस गांव को पहला मिला है। गोंदिया जिले में पहला पुरस्कार मिला है, मोरगा अर्जुनी तहसील में पहला पुरस्कार मिला है। दोनों पहला पुरस्कार मिलने के बाद में करीबन 50 लाख रुपये की राशि इस गाँव को प्राप्त हुई है। और हमने देखे गाँव में कि गाँव में स्वच्छता के बारे में ज़्यादा पहल की हुई है, नालियाँ साफ है, यहाँ आंगनबाड़ी के बारे में डिजिटल आंगनबाड़ी है, डिजिटल स्कूल भी बनवाई गई है। ग्राम पंचायत की इमारत भी आप देख सकते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। और लोग काफ़ी खुश है क्योंकि यहाँ पर इनको पहला पुरस्कार मिला है, सारे गांव के लोगों का सहभाग यहाँ पर मिला है। सरपंच ने भी कहा, ग्राम सचिव ने भी कहा है, और ग्रामस्थों से जब बात करने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ हर एक काम के लिए गाँव का पूरा सहयोग मिला, और ये सहयोग के नतीजे से ही गाँव को स्मार्ट ग्राम पुरस्कार मिला है। क्योंकि नहीं, क्योंकि अगर गाँव में एकता हो, एकजुटता हो और कुछ करने का जज्बा मन के अंदर हो, तो विकास गांव के अंदर हम खींच कर ला सकते हैं, ये सिरेगांव बांध के लोगों ने दिखाया। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज भंडारा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।